हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, घरों पे होंगे और पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। ओके, डू नॉट डिस्करेज योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। सो फ्रेंड्स, एमसीक्यूज ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एओईओ स्पेसिफिकली, एंड ऑल्सो कैन बी बेनिफिशियल फॉर अदर एग्जाम्स, लाइक अगर आप यूपीएससी के और एग्जाम्स दे रहे हो, जनरल स्टडीज़ बेस्ड, सी डी एस, सी ए पी एफ, एन डी ए एंड योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज दे रहे हो, सब में काम आएगा प्रीलिम्स स्पेसिफिक में। ओके, तो लेक्चर नंबर 13 रहेगा, स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस वही फॉलो करना है, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे एंड मार्क करेंगे खुद को कि 5 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत। एंड कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर 9041244689, या फिर आप मेल कर सकते हो sikshit@gmail.com पर। ओके, चलिए, तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल पूछ रहा है द एसएनडीपी मूवमेंट, पैराग्राफ बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ रहा है द एसएनडीपी मूवमेंट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रीजनल मूवमेंट बॉर्न आउट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिप्रेस्ड क्लासेज एंड अपर कास्ट। अच्छा जी, डिप्रेस्ड क्लासेज और अपर कास्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट की वजह से ये मूवमेंट अराइज हुई। रीजनल मूवमेंट थी, यानी कि नेशनल लेवल की नहीं थी। स्टार्ट किया था श्री नारायण गुरु स्वामी ने, तो अपने पास ये भी इन्फॉर्मेशन आ गई कि स्टार्ट किसने किया। अमंग द एजावास कम्युनिटी का नाम भी अपने पास आ गया, ऑफ डैश, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ होगा और नीचे सवाल में पूछा होगा कि वॉट विल कम इन प्लेस ऑफ एक्स। एजावास ऑफ विच प्लेस, हु वर बैकवर्ड कास्ट, तो एजावास बैकवर्ड कास्ट थे ये भी हमें बता दिया, ऑफ टोडी टेपर्स एंड वर कंसिडर्ड टू बी अनटचेबल्स, दे वर डिनाइड एजुकेशन एंड एंट्री इन टू टेम्पल। सो बेसिकली आपको बताना है ये जो कम्युनिटी है ये कौन सी स्टेट में प्रोमिनेंट थी। ऑप्शन ए केरला, बी तमिलनाडु, सी बॉम्बे, डी गुजरात। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दे दी गई है एंड सिंपल सा सवाल पूछ लिया गया। देखो, अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपने पास्ट ईयर के भी क्वेश्चन देखे हो कभी यूपीएससी में या बाकी के एग्जाम्स में भी, इस तरह के क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत नॉलेजेबल होते हैं क्योंकि बहुत सारी डिटेल अपने को प्रोवाइड करते हैं। एसएनडीपी मूवमेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रीजनल मूवमेंट है, आपको फाउंडर का नाम पता चल गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर स्टेट के नाम के ऊपर डैश किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं स्टेट का नाम आपको मेंशन कर देता, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए केरला, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर केरला को गायब ना करता, केरला लिखा रहता और उसकी जगह मैं श्री नारायण गुरु स्वामी को गायब कर देता और मैं आपसे पूछ लेता कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ दिस एसएनडीपी मूवमेंट, ठीक है। तो उस तरीके से भी सवाल जो है वो आपका फॉर्म हो सकता है, आपने तैयार रहना उस चीज के लिए भी। ऑलराइट, चलिए अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एसएनडीपी मूवमेंट एग्जांपल है रीजनल मूवमेंट का, डिप्रेस्ड क्लास और अपर कास्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट जो चल रहा था उसकी वजह से नारायण गुरु स्वामी ने इसको शुरू किया था। अमंग द एजावास ऑफ केरला बैकवर्ड कास्ट थे, कंसिडर्ड अनटचेबल्स, एजुकेशन डिनाई की जाती थी, मंदिर में इनकी एंट्री अलाउड नहीं थी एंड देवर वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट कास्ट ग्रुप इन केरला, जो 26% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन था, फिर भी इस पॉपुलेशन को राइट्स नहीं मिलते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी का नाम भी पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है कि अमंग विच कम्युनिटी प्रीडोमिनेंटली द एसएनडीपी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। ओके, चलो अब आपका एक होमवर्क है छोटा सा इस क्वेश्चन के लिए, आपने मेरे को एसएनडीपी की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। एसएनडीपी की आपने फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ जस्टिस मूवमेंट इन इंडिया। जस्टिस मूवमेंट के कंटेक्स्ट में आपने स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। नंबर वन, द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन मैसूर प्रेजिडेंसी टू सिक्योर जॉब्स एंड पोजिशंस ऑफ नॉन ब्राह्मिन्स इन लेजिस्लेचर। मैसूर प्रेजिडेंसी, तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि प्रेजिडेंसी का नाम सही है क्या, एंड दूसरा अपने को पता होना चाहिए पर्पस सही मेंशनड है क्या। पर्पस गिवन है कि जॉब और पोजीशन जो है नॉन ब्राह्मिन्स के लिए रिजर्व करने की बात हो रही थी लेजिस्लेचर में। स्टेटमेंट टू कहता है पी त्यागराजा वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द मूवमेंट, तो अपने को फाउंडर का नाम भी पता होना चाहिए जस्टिस मूवमेंट का। आंसर अपने से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा, दोनों या कोई भी नहीं, ठीक है। तुक्केबाजी के चांस इन वाले क्वेश्चन में बहुत कम हो जाते हैं। चलो तो आंसर क्या होगा, देखो सबसे पहले तो जस्टिस मूवमेंट जो है कहाँ पर शुरू हुई थी ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन मैसूर ओनली, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है और पर्पस भी बिल्कुल करेक्ट है। पी त्यागराज वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर, तो आंसर इसमें बोथ ऑफ द अबव अपने पास हो जाएगा।
ठीक है जी। तो जस्टिस मूवमेंट के बारे में अगर आप पढ़ें, वॉज स्टार्टेड बाय सी एन मुदलियर, टी एम नायर एंड पी त्यागराजा। तो तीन लोग हैं, नाम याद करना पड़ेगा, पूछा जाता है पेपर में, तीनों का नाम याद करना पड़ेगा। टू सिक्योर जॉब्स एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर द नॉन ब्राह्मिन्स इन द लेजिस्लेचर, नॉन ब्राह्मिन्स के लिए सीट्स रिजर्व करने की बात कर रहे थे। और इसी मूवमेंट से रिलेटेड लोगों ने मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है इसकी फाउंडेशन की 1917 में। ईयर पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी एसोसिएशन कब फॉर्म हुई, तो उसमें रफ आइडिया अपने को होना चाहिए कि कब फॉर्म हुई, तभी हम क्रोनोलॉजी में अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई थी, इट डिमांडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द लोअर कास्ट इन द लेजिस्लेचर। लोअर कास्ट के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की इन्होंने मांग की, एक तरह से रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है फॉर द लोअर कास्ट मांगनी शुरू यहां पर हो गई थी, इवन बिफोर बी आर अम्बेडकर विल कम इन टू द मेन फ्रेम ऑफ डिमांडिंग रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड कम्युनिटीज। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन आपका फॉर्म यहाँ पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। बार बार इस चीज के ऊपर मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ, बार बार, और ये फिर भी गलत होएगी कई बच्चों के पेपर में, करेक्ट इनकरेक्ट वाली, क्योंकि ध्यान नहीं रखोगे, लगेगा सर तो फालतू बोल रहे हैं, है ना। हमें भी अपने टाइम में ऐसा ही लगता था। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ईवी रामास्वामी नायकर। पहला, ही इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पेरियार, पेरियार के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया। रामास्वामी वॉज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर ये रहे। ऑलराइट, तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। एनसीईआरटी अगर बच्चे ने पढ़ी है तो ये सवाल नहीं गलत होगा बेटा, अगर एनसीईआरटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है, नहीं पढ़ी फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। चलिए तो देखें इसमें क्या आंसर होगा। आंसर होगा बेटा इसमें आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पेरियार के नाम से भी जाने जाते थे, बार बार पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर ऑफ साउथ इंडिया और विच अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ पेरियर, बार बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, खोल के देख लेना 10 ईयर्स, ठीक है। तो पेरियर रामास्वामी अय्यर बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, रामास्वामी वॉज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये भी सही है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, तो पता होना चाहिए अपने को। जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है, ही नेवर ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस एक बार ज्वाइन की थी, हालांकि ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो अपना आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली, समझ रहे हो। सेकंड स्टेटमेंट गलत है और पहला और तीसरा ठीक है। तो डिटेल एक बार देखते हैं रामास्वामी नायकर के बारे में। ऑल्सो नोन एज पेरियार, मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था, एसेटिक, एक साधु का जीवन, एक ब्रह्मचर्य का जीवन इन्होंने अपना जिया, शुरुआती जो इनकी जिंदगी थी। ओके, संस्कृत स्क्रिप्चर्स को काफी केयरफुली इन्होंने स्टडी किया, कांग्रेस को भी इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन जब ये कांग्रेस का पार्ट बने, कांग्रेस की मीटिंग्स में गए, तो वहाँ पर ये हैरान हो गए कि एक ऐसी पार्टी जो खुद को नेशनलिस्ट कहती है, जो देश को आज़ादी दिलाने की बातें कर रही है, जो देश को स्वतंत्र बनाने की बातें कर रही है, लोगों के हक के लिए लड़ने की बातें कर रही है, वो अभी तक कास्ट डिस्टिंक्शंस फॉलो कर रही है, ठीक है। क्योंकि जो सिटिंग अरेंजमेंट होता था कांग्रेस का, जो नायकर ने हमें बताया कि जो सिटिंग अरेंजमेंट होता था उसमें जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको अपर कास्ट के लोगों से दूर बिठाया जाता था कांग्रेस की मीटिंग्स में, तो रामास्वामी नायकर कहते कि ऐसी पार्टी का हिस्सा मैं नहीं बनकर रहना चाहता। तो एक बार कांग्रेस के मेंबर बने थे, हालांकि उसको उन्होंने बाद में छोड़ दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और एनसीईआरटी में मेंशन है। बच्चे कहते हैं कहां से उठा के ले आए, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं। मतलब आपने, अगर आप ये कह रहे हो कि आपने कभी नहीं पढ़ा, तो मतलब आपने एनसीईआरटी नहीं, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से लिया, मैंने एक भी वर्ड अपना ऐड तक नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया, ठीक है जी। उसके बाद जो आपके रामास्वामी नायकर थे, ये कन्विंस्ड थे कि जो अनटचेबल्स हैं, अगर उनको अपनी डिग्निटी के लिए लड़ना है तो उसके लिए उन्हें खड़ा होना पड़ेगा, और इसी वजह से पेरियार ने जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की, ठीक है। इसी वजह से पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की। और मैं आप लोगों से एक माफ़ी ये मांगना चाहूँगा, अगर आपको बैक ग्राउंड में थोड़ी सी ठक 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 की आवाज़ आ रही है ना, तो यहाँ पर पास में थोड़ा काम चल रहा है जिस वजह से ये आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करें, ओके। कोशिश करूँगा कि अब मैं रात को लेक्चर आपके लिए बाकी के बनाऊँ, ताकि ये ठक ठक से आप तंग ना हो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, ई वी रामास्वामी नायकर के ऊपर ही करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है फिर से अपने से। पहला कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नायकर, अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टू अचीव सोशल इक्वालिटी। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि नायकर ने ये बोला
कि अगर अनटचेबल्स खुद को फ्री करना चाहते हैं, खुद को इक्वल करना चाहते हैं सोसाइटी में, तो उनको हर तरह के धर्म से दूर होना पड़ेगा। ये नहीं कि ये धर्म अच्छा है तो दूसरा वो ज्वाइन कर लिया, कह रहे हर धर्म में कोई ना कोई वो है तो उनको हर से अलग होना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है पेरियार क्रिटिसाइज्ड हिंदू स्क्रिप्चर्स लाइक रामायणा एंड महाभारत। रामायण और महाभारत जैसे हिंदू स्क्रिप्चर्स को क्रिटिसाइज इन्होंने पेरियार ने किया। तो ऑप्शन ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ ऑफ दी अबव और डी नन ऑफ दी अबव। अगेन आपसे स्टेटमेंट कौन सा पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। ओके, सो आंसर इस केस में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, दोबारा से थोड़ा सा पढ़ते हैं पेरियार के बारे में। तो पेरियार ने सीधा बोला अनटचेबल्स को कि भैया ये ट्रू अपहोल्डर्स हैं ओरिजिनल तमिल और द्रविड़ियन कल्चर के, और आप इन्हीं को अनटचेबल बोल रहे हो, आप इन्हीं को सब्जुगेट कर रहे हो, ब्राह्मिन्स इन्हीं को सब्जुगेट कर रहे हैं। ओके, सो पेरियार का ये मानना था कि जो भी रिलीजियस अथॉरिटीज हैं, ठीक है, या जो भी सोशल डिविजन्स हैं या जो भी इनइक्वालिटी हैं, वो एक तरह से गॉड गिवन है, क्योंकि जो भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं वहां पर जस्टिफाइड है ये इनइक्वालिटीज। ऑलराइट, तो कंप्लीटली वो डिनाई करते थे किसी भी रिलीजन को, और इसी वजह से उन्होंने कहा अनटचेबल्स को कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करें, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, किसी रिलीजन को फॉलो ना करें, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द वेब ऑफ फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रिलीजन एंड देन यू विल बी एबल टू गेन सोशल इक्वालिटी। ठीक है, आउटस्पोकन क्रिटिक थे हिंदू स्क्रिप्चर्स के, मनु के कोड्स जो हैं, भगवद गीता, रामायण, इन सारे टेक्स्ट को क्रिटिसाइज जो है वो करते थे। उनका ये मानना था कि ये जो टेक्स्ट हैं, ये जो हिंदू टेक्स्ट हैं, ये ब्राह्मण्स की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करते हैं ओवर अदर कास्ट, और इसी वजह से कास्ट डिस्टिंक्शन है कंट्री के अंदर, और इसी वजह से जो आदमी है वो औरत के ऊपर डोमिनेशन करता है, क्योंकि ये स्क्रिप्चर्स वो चीज दिखाते हैं। ऑलराइट, क्लियर है कंसेप्ट? अब पेरियार से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए अपना गलत नहीं होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। पहला, द वेदा समाज इंस्पायर्ड बाय ब्राह्मो समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर इन 1864। सबसे पहले तो वेदा समाज को क्या ब्राह्मो समाज ने इंस्पायर किया था ये आपको पता होना चाहिए, लाहौर में फाउंड हुआ था क्या ये पता होना चाहिए, साल सही है क्या ये पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें पता है तभी ये स्टेटमेंट सही है या गलत है बता सकते हो। दूसरा, वेदा समाज वर्क्ड टू रिमूव कास्ट डिस्टिंक्शन, कास्ट डिस्टिंक्शन हटाने के लिए इसने काम किया। तीसरा, प्रमोटेड विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन को भी इन्होंने प्रमोट किया। तो आपको बताना है पहले तीनों ठीक है, फर्स्ट ओनली ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड ठीक है, या फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है। वेदा समाज भी मैंशन है आपके एनसीईआरटी में, जो लास्ट में बॉक्सेस होते हैं ना उसके अंदर मैंशन है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो पहला स्टेटमेंट थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। वेदा समाज ब्राह्मो समाज से इंस्पायर था, करेक्ट। वॉज इस्टैब्लिश इन लाहौर, गलत, लाहौर में इस्टैब्लिश नहीं हुआ था, चेन्नई में इस्टैब्लिश हुआ था, मद्रास में। 1864 सही, ठीक है, लेकिन अपने को तो टोटल में देखना है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में पहला है वो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। ये गया, ये गया, ये गया, ऑटोमेटिकली आंसर अपना 2 और 3 हो जाएगा। कास्ट डिस्टिंक्शन के खिलाफ लड़ता था, विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करता था, आंसर विल बी सी। ओके, सो वेदा समाज वॉज एस्टैब्लिश इन मद्रास और चेन्नई इन 1864, ब्राह्मो समाज से इंस्पायर था। अगर ब्राह्मो समाज से इंस्पायर था आपको पता है तो आप ऑटोमेटिकली जज कर सकते हो कि ये किस चीज के लिए खड़ा हो रहा था। ओके, क्योंकि ब्राह्मो समाज वॉज प्रमोटिंग विडो रीमैरिज, ये भी विडो रीमैरिज प्रमोट कर रहा था। वॉज प्रमोटिंग वुमेन एजुकेशन, ये भी वुमेन एजुकेशन प्रमोट कर रहा है, ठीक है। वन गॉड में बिलीव करते थे जो आपके ब्राह्मो समाज था, तो ये भी अपना वन गॉड का बिलीफ आ गया। कंडेम्ड द सुपरस्टिशन एंड रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, ब्राह्मो समाज में भी था, वेदा समाज में भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आप लिंक कर सकते हो अगर आपको पता है, ठीक है, एज इट इज एनसीईआरटी में ये भी आपको मिल जाता है। ओके, चलिए, सो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। 5 questions हमारे हो गए हैं एंड दिस वाज लेक्चर नंबर 13। तो आप अराउंड आइडिया लगा सकते हैं कि अराउंड हमने 13 × 5 65 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, और बहुत से क्वेश्चंस कवर करते रहेंगे, चिंता मत करो, पेपर में अभी टाइम है, तब तक अच्छा खासा जो क्वेश्चन बैंक है वो आपका बिल्ड हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, या इन नंबर्स के ऊपर आप कॉल व्हाट्सएप या फिर मेल कर सकते हो। बाकी के वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए एंड चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम यूज़र्स हमारे साथ जुड़ सकें। बहुत से बच्चे कहते हैं सर पढ़ा तो अच्छा रहे हो पर व्यूज़ बहुत कम है, लाइक्स बहुत कम है, तो आप शेयर करो, व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्राइबर सब बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।